गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे विषय हिंदी व्याकरण कक्षा पांचवी। पाठ संख्या है स्टूडेंट्स, पृष्ठ संख्या हमारा 76। विषय हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ओके स्टूडेंट्स, देखिए कई शब्दों के स्थान पर एक ही शब्द का प्रयोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाता है। देखिए हम कभी कभी कम शब्दों का प्रयोग करके अपनी बातों को प्रकट करते हैं, अपनी भाषा को सुंदर एवं प्रभावशाली बनाते हैं। तो कई शब्दों के स्थान पर एक ही शब्द का प्रयोग अनेक शब्दों के एक के लिए एक शब्द कहलाता है। इन्हें वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कहा जाता है। इनसे जो ये एक शब्द यूज किया जाता है अनेक शब्दों के लिए, जब एक शब्द यूज किया जाता है इससे क्या होता है स्टूडेंट, देखिए भाषा सुंदर सजीव एवं प्रभावशाली बनती है। अपनी बातों को कम शब्दों में कहना। ओके, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की सूची। अनेक शब्द यहाँ पर दिए गए हैं और उनको हम अनेक शब्द में ना कहकर हम एक शब्द में भी कह सकते हैं, जिसका हमें अर्थ पूर्ण रूप से प्रकट होता है। जो कभी ना मरे, जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर, जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो, नास्तिक, फालतू खर्च करने वाला, अपव्यय, जो कड़वा बोलता हो, कटुभाषी, जो चित्र बनाता हो, चित्रकार। हम चित्रकार बोलेंगे वैसे तब भी हमें समझ आ जाएगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ओके, जो सेना में काम करे, सैनिक, जिसमें बल ना हो, निर्बल, जो अपने देश का ना हो, विदेशी, गांव में रहने वाला, ग्रामीण, कविता लिखने वाली, कवित्री, कविता लिखने वाली। यहाँ पर स्त्रीलिंग की बात की गई, स्त्री की बात की गई तो कवित्री, यदि कविता लिखने वाला होता है तो कवि। ओके बच्चों, सत्य बोलने वाला, सत्यवादी, इतिहास से संबंध रखने वाला, ऐतिहासिक, देखने वाला, दर्शक, जैसे कोई भी प्रोग्राम वगैरह हो रहा है तो हम सभी देखते हैं, तो हम कौन हैं, दर्शक हैं, देखने वाले दर्शक। बोलने वाला, वक्ता, जो सप्ताह में एक बार हो, साप्ताहिक, जो महीने में एक बार हो, मासिक, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। ओके स्टूडेंट्स।